हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर तीन पर्टिकुलर स्टॉक्स कह लीजिए या रीसेंट आईपीओस कह लीजिए जो आने वाले हैं और आ चुके हैं, जिसके रिलेटेड अगर बात करें जोमेटो, ग्लेनमार्क एज वेल एज रोलेक्स रिंग्स। यहाँ पर तीन आईपीओ से रिलेटेड बातें करेंगे, डिटेल्स जानेंगे और जानेंगे जोमेटो का आईपीओ में क्या करना है, क्योंकि कुछ आज के दिन देखे तो गिरावट हुई है और मुझे पता था ये गिरावट होने वाली है। कल वीडियो बनाने वाला था, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आज के दिन शेयर गिर गया है। तो आपको बताना चाहता हूँ क्या करना चाहिए। तो और बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करके ही आपको कोई भी पोजिशन लेनी है। बाकी आपको दो कान दिए गए, एक अच्छी लगे तो दिमाग में रखनी है उस कान से सुन के, बाकी दूसरे कान से निकाल देनी है अगर अच्छी ना लगे। तो सिंपल सी बात है, खुद की स्टडी आपको करनी है, उसी के बेस पे आपको डिसीजन लेना है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर दो वीडियो ऑलरेडी आज की डेट में आ चुकी है फार्मा स्टॉक से रिलेटेड। दो फार्मा स्टॉक जितने गिरते हैं उतने भागते हैं, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पर एक और स्टॉक है जिसमें 130% के लिए यहाँ पर अगर बात करें, मैंने यहाँ पर परचेजिंग करी है, अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे, बेहतरीन कंपनी नजर आ रही है। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लीजिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड सबसे पहले बात कर लेते हैं, जोमेटो। जोमेटो देखिए तो आज के दिन में लगभग अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया है, 147 रुपए तक। अगर बात करें 147.80 रुपए का यहाँ पर प्राइस था। उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखी गई जब मार्केट गिरा, और लास्ट में तो और ज्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया। तो हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, हमें निकल जाना चाहिए या क्या? देखिए, अगर मैं आपको अपनी पर्सनल राय दूं तो मुझे लगता है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओके, मैंने भी इसी प्राइस के आसपास हमें आईपीओ मिला था, तो यहाँ पर इसी प्राइस के आसपास हमने निकले थे। तो हमें ज्यादा लालच अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए, कंपनी के फंडामेंटल इतने सपोर्ट नहीं कर रहे इस कंपनी को कि आप इसे लॉन्ग टर्म की बेट बना दो। आपको आईपीओ मिला, आपने अच्छे खासे यहाँ पर पैसे बनाए, जस्ट निकल जाओ। मैं आई विल बाई दिस स्टॉक अगेन, बट कहाँ पर? जब ये 100 रुपए के आसपास आएगा। 100 रुपए के आसपास आएगा, आई विल बाई दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑन एवरी डिप। 100 रुपए से मैं शुरू करूंगा और जितना गिरेगा उतना मैं इसे खरीदूंगा, और यहाँ पर तब हम बैट करेंगे। क्योंकि इस शेयर को अब बात करूं तो 200 रुपए जाना है, इट विल टेक 6 मंथ और 1 ईयर, बट हाँ, इसे 200 रुपए तक जाना है, बट जितना गिरेगा तब खरीदना है। अभी नहीं खरीदना, क्योंकि 1 महीने बाद जब इसके एंकर इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं वो बेचना शुरू करेंगे, फिर आप निकल भी नहीं पाएंगे, तब ये शेयर और ज्यादा गिरता हुआ दिखाई देगा। तो 1 महीने का वेट करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके बाद खरीदिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पर बुक वैल्यू पता नहीं क्या दिखा रहा है, छोड़ो इसे। यहाँ पर देखते हैं मार्केट कैप 1,10,342। ओके, करंट प्राइस 141, और यहाँ पर बुक वैल्यू को बिल्कुल मत देखिएगा वरना फंस जाएंगे। डेट टू इक्विटी की बात करें, 1% की डेट है, ना के बराबर डेट है। बट हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, इस कंपनी के जो ये अगर हम देखते हैं सेल्स, यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर पैंडमिक का असर था, अभी भी असर था, बट स्टिल यहाँ पर देखे तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट है। बट यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे नेगेटिव में है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखे वो भी नेगेटिव में है, बट यहाँ पर नेगेटिव में कम होता जा रहा है, ये अच्छी बात है। तो एक आध क्वार्टर का रिजल्ट का वेट करते, शायद इस क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तब हम देखेंगे, तब एक हमें आइडिया लगेगा। बाकी अगर हम देखें इस कंपनी के और भी चीजें, रिजर्व्स अच्छे खासे है इस कंपनी के पास। बोरिंग की बात करें, 73 करोड़ रुपीज की बोरिंग, बे फिक्स एसेट यहाँ पर अच्छे खासे है, इन्वेस्टमेंट कंपनी की अच्छे खासे है, कैश इक्विवेलेंट अच्छा खासा है, यहाँ पर नेगेटिव में कैश फ्लो है। तो कुछ नेगेटिव्स, कुछ पॉजिटिव इसके पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, वेट एंड वॉच करिए, कंपनी अच्छा खासा है, थोड़ा सा करेक्ट जरूर करेगी, और जब करेक्ट करेगी तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो हम यहाँ पर पैसा लगाएंगे। तो जोमेटो से रिलेटेड मेरी राय ये है, अच्छी लगी हो तो यहाँ पर कैरी ऑन करिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं एक और आईपीओ, यहाँ पर ग्लेनमार्क की हम बात कर लेते हैं। ग्लेनमार्क देखिए, फार्मा के स्टॉक आज गिरते हुए दिखाई दिए, फार्मा इंडेक्स आज अच्छा खासा 600 पॉइंट से ज्यादा करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे में क्या हुआ है, ऐसे में हुआ है ये, ग्लेनमार्क के जो आईपीओ का जो प्रीमियम था वो यहाँ पर स्लिप होता हुआ दिखाई दिया, वो गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें क्या यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस डर से हमें निकल जाना चाहिए? तो आपको बताना चाहता हूँ अच्छे खासे स्टॉक्स देखिए। यहाँ पर एक फार्मा से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आपको बताया अच्छे खासा शेयर है, यहाँ पर इसे भी उठाना है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ग्लेनमार्क का आईपीओ जितने को भी हमें यहाँ पर सब्सक्राइब करना है, क्यों? क्योंकि जब एक बार मार्केट में आएगा तो यहाँ पर डबल पैसे होने ही होने हैं यहाँ पर, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये कम प्राइस पे आता आएगा ना, तो और ज्यादा भागता हुआ हमें दिखाई देगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अच्छे खासे वैल्यूएशन पे यहाँ पर ये शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आई थिंक 110 रुपए
रुपए के आसपास का यहाँ पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, पहले अच्छा खासा इसका यहाँ पर प्रीमियम चल रहा था, बट अभी यहाँ पर अच्छा खासा ये शेयर यहाँ पर इसका जो आईपीओ का जीएमपी है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। बट कोई डरने की जरूरत नहीं है, देखिए इस अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आ रहा है, 695 720 रुपीज पर ये शेयर मिल रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया, 110 रुपए के आसपास का यहाँ पर जीएमपी है। तो यहाँ पर ऑपरेटर खेल खेलते हैं, जोमेटो में भी इसी तरीके से खेला था कि लोगों ने यहाँ पर अप्लाई तो किया, जिन जिन्होंने करना था उन्होंने अप्लाई किया, जिन्हें मिलना था वो मिला भी। बट अगर बात करें, लोगों को इतना डरा दिया था कि वो खरीदने नहीं वाले थे, बट फिर भी लोगों के पैसे लगभग डबल होते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर इस शेयर को तरफ भी ध्यान दीजिएगा, अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है रोलेक्स रोलिंग रिंग्स, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हमने वीडियो नहीं बनाई, इस वीडियो में इससे रिलेटेड बातें कर लेंगे। अगर बात करें, देखिए 2003 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर यहाँ पर देखिए टॉप 5 फॉर्जिंग कंपनीज में ये कंपनी आती भी है। और बात करें यहाँ पर, ये कंपनी फॉर्जिंग एज वेल एज मशीन बियरिंग रिंग्स, ये ऑटोमोटिव्स कंपोनेंट ये बनाती हुई दिखाई देती है, जो कि हम अभी देखेंगे। अगर बात करें यहाँ पर यूज अक्रॉस सेगमेंट, अगर बात करें यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, विंड्स टर्बाइंस, रेलवे एटसेट्रा, यहाँ पर इन कंपनीज में के लिए ये कंपनी का यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाती हुई नजर आती है। तो अच्छे खासे इनके अगर बात करें क्लाइंट्स भी है, इंडिया में नहीं आउटसाइड वर्ल्ड भी ये काम करती हुई नजर आती है, आउटसाइड इंडिया सॉरी। अगर बात करें यहाँ पर वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर काफी सारी कंट्रीज में यह कंपनी काम करती हुई नजर आती है, ऑटोमोटिव्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा देखिए द कंपनी सप्लाईज प्रोडक्ट्स ऑन बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ग्राउंड टू ऑटोमोटिव कंपनीज एंड लीडिंग बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग सच एज एसआरएफ इंडिया, जिसके अभी रिजल्ट आए थे यहाँ पर, और उसके भी शेफलर इंडिया, टिमकिन इंडिया एटसेट्रा, एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट टू 7 डिफरेंट कंट्रीज, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यहाँ पर देख लीजिए थाईलैंड, यहाँ पर जैसे रिपब्लिक यूएसए, यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है और बहुत सारी कंट्रीज में। और यहाँ पर देखिए 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके, मतलब एक ही राजकोट में ही 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, विद 22 फोर्जिंग लाइंस, विद एग्रीगेटेड इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 1,44,750 मेट्रिक टन पर एनम। यहाँ पर ये कंपनी इस तरीके के यहाँ पर ये काम करती हुई नजर आती है। और जो इनकी कॉम्पिटिटिव्स अगर की बात करें स्ट्रेंथ की, तो देखिए लीडिंग है पहली बात तो फोर्जिंग में, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग है, कॉम्प्रहेंसिव प्रोडक्ट्स है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड रिवेन्यू है, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मिंग ट्रैक रिकॉर्ड्स है। तो अच्छी खासे जैसे सोना BWL अभी आता हुआ दिखाई दिया था, उसकी अच्छी खासी लिस्टिंग हुई थी, ये भी कंपनी उसी तरीके से लिस्ट होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स है, इन्हें देख लीजिए। यहाँ पर अगर बात करें टोटल एसेट की बात नहीं किया करते यहाँ पर, बट अब हम बात करते हैं रिवेन्यू और पैट की बात करेंगे। रिवेन्यू अगर देखें तो देखिए 2019 में अच्छा खासा था, 20 में यहाँ पर गिरावट थी, आपको पता ही है, यहाँ पर पूरे मोबाइल्स जितने भी शेयर थे उसमें गिरावट थी। इसके अलावा बात करें टोटल रिवेन्यू यहाँ पर इस 2021 में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्मेंस किया। गिरावट है रिवेन्यू में, बट स्टिल यहाँ पर देखें यहाँ पर आप प्रॉफिट में, तो यहाँ पर देखिए 590 करोड़ का प्रॉफिट, फिर उसके बाद 529 थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर उसके बाद 869 करोड़ का जब यहाँ पर सब कुछ अच्छा खासा ऑटोमोबाइल्स के शेयर यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये भी शेयर भाग रहा है। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, तो आप तो पता ही है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल वर्क या फिर उनकी कोई कर्ज होगा तो वो निपटाएंगे, जनरल पर्पज इससे रिलेटेड। 28 तारीख मतलब कल के दिन ये आ रहा है, 30 तारीख को यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्डिंग होगा, बुक बिल्डिंग का मतलब दो प्राइस रहेंगे, या तो 880 पे करें या फिर 900 पे, तो 900 पे ही करते हैं, कट ऑफ प्राइस पे करते हैं तो मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मार्केट लॉट की बात करें, 16 शेयर का यहाँ पर एक लॉट होगा, मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 13 के लिए ही अप्लाई करते हैं। लिस्टिंग की बात करें BSE NSE दोनों पर लिस्ट होगी। यहाँ पर इशू साइज की बात करें तो यहाँ पर देखिए 731 करोड़ रुपये का 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू के साथ ये कंपनी यहाँ पर अपना प्रोडक्ट्स सॉरी आईपीओ ला रही है। और बात करें फ्रेश इशू, इसमें केवल 56 करोड़ है, बाकी सारा का सारा ओएफएस में यहाँ पर आएगा, मतलब प्रमोटर्स अपने यहाँ पर शेयर हो बेच रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ बातें करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 28 तारीख 30 तारीख को यहाँ पर 28 को ओपन हो रहा है, 30 को क्लोज हो रहा है, 4 तारीख को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगा, जिसे मिलेगा अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो 5 तारीख को पैसे यहाँ पर इनिशिएट कर दिए जाएंगे। और बात करें यहाँ शेयर 6 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और आईपीओ लिस्टिंग डेट की बात करें तो 9 तारीख को यहाँ पर लिस्टिंग डेट यहाँ पर होती ही नजर आएगी। अब यहाँ
पर बात करते हैं एक लॉट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम, आप 13 लॉट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर प्री इशू शेयर होल्डिंग, तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 58.99% की होल्डिंग है और एक बार बेचने के बाद इनकी 57.64% की हिस्सेदारी रह जाएगी। मतलब अगर बात करें 1.something% की हिस्सेदारी ही ये यहाँ पर बेच रहे हैं, ज़्यादा यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी भी नहीं बेच रहे, तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और कंपनी के रिलेटेड अगर और कुछ बातें करें तो देखिए, कंपनी अभी जो ट्रेड कर रही है जो प्राइमरी मार्केट में जिसे डब्बा बाजार कहते हैं वहां पर 1350 रुपए पे ट्रेड कर रही है। हमारा 990 के प्राइस से अगर देखें तो लगभग 450 रुपए के आसपास का यहाँ पर प्रीमियम कंपनी का यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, अच्छे खासी यहाँ पर लिस्टिंग होती है दिखाई देगी और कंपनी ऑटोमोबाइल्स के जितने भी शेयर है उसकी तरफ भी नजरें बना रही है। जिस दिन ये लिस्ट होगा उस दिन ये भी दूसरे शेयर जो फोर्जिंग से रिलेटेड है, जो बियरिंग बनाते हैं, वो भी शेयर भागते हुए नजर आ सकते हैं, एज वेल एज ऑटो के शेयर भाग ही रहे हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी को भी आप लिस्ट कर अप्लाई करिए, एज वेल एज ग्लेनमार्क को भी आप यहाँ पर अप्लाई करिए इसके लिए आईपीओ के लिए। मुझे लगता है कि फार्मा के स्टॉक दोबारा परफॉर्म करेंगे और ये भागेंगे। एज वेल एज बात करें जोमेटो की, तो यहाँ से निकलने के लिए मैं आपसे कहूंगा, बाकी नीचे जब आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर बाद में एक्युमुलेट करेंगे धीरे धीरे और फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बैट खेलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए। बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अप्लाई करना है नहीं करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी भी करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़िए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।